आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे मटेरियल चैप्टर, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे मैं थ्योरी की बात करूं चाहे मैं प्रैक्टिकल की बात करूं, ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसमें से आपके एग्जाम में थ्योरी भी आना है और इसमें से ही आपके एग्जाम में प्रैक्टिकल भी आएगा ही आएगा, ठीक है? तो हम इसके अंदर आगे का टॉपिक जिस तरीके से होगा इस चैप्टर में, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। थ्योरी का पोर्शन बिल्कुल अलग रहेगा, अगर आपको प्रैक्टिकल समझ में आता है तो थ्योरी भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो बीकॉम प्रोग्राम हो चाहे बीकॉम ऑनर्स हो, मैंने इसमें जनरली देखा है क्वेश्चन तो आना डेफिनेटली कंफर्म है कि इसमें से क्वेश्चन आएगा, लेकिन कई बार 15 का आता है, कई बार 7.5 का आता है, और कई बार मैंने देखा है थ्योरी को भी अगर मैं काउंट कर लूँ तो 30 नंबर तक का वेटेज ले जाता है ये चैप्टर। 30 मार्क्स के भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, 15 नंबर का प्रैक्टिकल आ गया, और कैसे 7.5 का ये, 7.5 का ये, 15 का ऐसे प्रैक्टिकल आ गया और 15 का थ्योरी आ गया, तो इस तरीके से 30 नंबर का भी ले गया वेटेज। और चैप्टर बहुत ही आसान है ये, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है और इजीली स्टूडेंट को समझ में भी आ जाता है। तो सबसे पहले मटेरियल, हम कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। मटेरियल के अंदर दो टॉपिक है, एक लेवल ऑफ इन्वेंट्री और एक है आपका कंट्रोल। दूसरा पॉइंट है स्टोर लेजर या वैल्यूएशन। तो हम पहले लेवल ऑफ इन्वेंट्री की बात करेंगे। आपका स्टोर लेजर और वैल्यूएशन में क्या दे रखा है उससे ना तो मैं अभी कोई डिस्कशन करने वाला हूं और ना ही आपको इसके बारे में सोचना है, सिर्फ लेवल ऑफ इन्वेंट्री की बात करें। लेवल ऑफ इन्वेंट्री के अंदर क्या होता है, कोई भी बिजनेसमैन हो, जैसे कि मान लो कोई हॉस्पिटल है या कोई मिल्कमैन हो गया, कोई भी बिजनेसमैन हो, उसके पास एक समस्या हमेशा रहती है। समस्या अगर इसका साल के अंदर, अगर ये बिजनेसमैन है और अगर साल के अंदर उसे 10,000 यूनिट चाहिए, इसका कंफर्म है कि हमारा साल में 10,000 यूनिट चाहिए, चाहे ये मान के चले कि अगर मैं बात करता हूँ, मान लेते हैं आटे की, तो 10,000 किलो अगर आटा साल में ये कंजम्पशन करता है तो ये एक बार में 10,000 किलो नहीं खरीदता, ठीक है ना? एक बार में 10,000 किलो खरीदेगा तो दो समस्या आएगी, एक तो इसका बहुत मोटा पैसा फंस जाएगा इसमें एक साल का, और दूसरी समस्या आएगी कि इसको रखेगा कैसे, इसको रखने के लिए 10,000 किलो हमारे पास जगह भी होनी चाहिए। लेकिन एक फायदा भी आएगा इसके साथ साथ, इसको जो रेट मिलेगा वो मिलेगा सस्ता, क्योंकि एक साल में तो रेट बढ़ना भी बढ़ना है, और प्लस जब आप एक साथ में लोगे, बल्क में सामान खरीदोगे, तो आपको जो रेट मिलता है वो रेट क्या होता है, नॉर्मली और प्रोडक्ट नॉर्मल रेट के कंपैरेटिवली क्या होता है, सस्ता मिलता है, ठीक है? तो इसका 1,000 किलो का यूनिट है तो ये डिसाइड नहीं कर पाता कि मैं कितना सामान एक बार में लेके आऊं, 2 महीने का इकट्ठा ले आऊं, 3 महीने का इकट्ठा ले आऊं, या डेली जा जाके लाऊं, तो इसके सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। तो हम इस चैप्टर में हर एक बिजनेसमैन को यही बताने वाले हैं कि भाई तुम्हारा इतना पूरे साल का खर्चा है तो एक बार में ना इतने की खरीदारी करोगे तो जिससे होगा क्या, आपका नुकसान नहीं होगा। हम ये नहीं बोल रहे कि एक बार में 10,000 खरीदो, हम ये नहीं बोल रहे कि आपको 5,000 खरीदो, आपको इतने यूनिट हम बता देंगे कैलकुलेट करके उस हिसाब से कि आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, यानी आपका नुकसान ना हो, आपको ज्यादा टेंशन ना हो। तो यही चीज हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे, इस कॉन्सेप्ट के अंदर, लेवल और कंट्रोल। लेवल मतलब किस लेवल पे खरीदारी करो, कंट्रोल कितना करना है, और इसके अंदर मिनिमम लेवल भी है, मैक्सिमम लेवल भी है, रीऑर्डर लेवल भी है, एवरेज लेवल भी है, डेंजर लेवल भी, अलग अलग लेवल है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो ये कंफ्यूज किस बात को लेके कि भाई कितना सामान खरीदूं, तो कितना सामान खरीदूं, तो एक ऐसा यूनिट जानना चाहता है ये कि एक बार में खरीदे, जिसको मैं बोलूंगा इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब वो हमारा जहां पे सबसे बेस्ट रेट मिले हमें, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यानी ये जानना चाहता है कि मेरा वो लेवल, मेरा वो यूनिट बता दो जिसपे कि मैं इतने यूनिट खरीद लूं। और जनरली अगर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, जब कोई सामान खरीदारी करते हो तो खर्चे क्या क्या होते हैं, तीन बेसिकली, एक तो मटेरियल जो खरीदेंगे, खर्चे की मैं बात करूं इसके, एक मटेरियल का तो खर्चा होगा ही होगा, इसके अलावा भी खर्चा होता है, बताओ क्या होता है? और जैसे मैंने बोला जाओ श्रीनगर, 10 रजिस्टर ले आना, तो किराया, और जो किराया है जाने का भी आने का भी, ऐसे मैंने बोला कि जाओ चांदनी चौक से आप पेपर ले आओ, चांदनी चौक से आप रजिस्टर ले आओ, पेन ले आओ, तो आपका खर्चा लगेगा। तो वो जो खर्चा है उसको हम बोलते हैं ऑर्डर करने का खर्चा,
ऑर्डरिंग कॉस्ट बोलते हैं उसको, ठीक है? ऑर्डरिंग कॉस्ट। उसके बाद एक और खर्च आएगा। आपने मान लो एक बार में 10,000 किलो अगर सामान खरीदा या 10,000 रजिस्टर ले लिए, तो रखने के लिए जगह चाहिए, तो उसको रखने के लिए जहां जगह चाहिए वो भी आपको स्टोर करने के लिए किराए पर लेना पड़ेगा जगह, एक वो भी खर्चा है, तो उसको बोलेंगे रख रखाव का खर्चा। और हम कॉस्टिंग के लैंग्वेज में बोलेंगे कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग का मतलब क्या होता है? रखना, उसका खर्चा, कैरिंग कॉस्ट। और इसका मटेरियल वाले में इसको कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये तो ठीक है। ये कंफ्यूज होता है इसमें, अगर इकट्ठा सामान ले आया तो ऑर्डरिंग कॉस्ट तो बच जाएगा, लेकिन कैरिंग कॉस्ट क्या होगा? अगर मैं एक साथ बल्क में सामान लाता हूं तो मेरा ऑर्डर कॉस्ट क्या होता है? मैंने बोला भाई 100 रजिस्टर चाहिए मुझे, जाओ 10 रजिस्टर लेके आओ, फिर गए लेके आए, फिर गए 10 रजिस्टर लेके आए, तो आप 10 बार जाओगे ना लेने, तो इसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट तो ज्यादा आ रहा है ना, यानी ये। लेकिन कैरिंग कॉस्ट इसमें है नहीं है, 10 रजिस्टर मैं यही रख लेता हूँ अपने टेबल पे रख लेता हूँ, लेकिन मैंने एक बार में 1,000 रजिस्टर मंगाया तो आने जाने का खर्चा क्या हो जाएगा? कम होगा, लेकिन कैरिंग कॉस्ट क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके लिए मुझे अलग से एक हॉल लेना पड़ेगा या अलग से जगह लेना पड़ेगा, उसके लिए अलग से मुझे इंतजाम करना पड़ेगा पूरा रखने के लिए, ठीक है? तो इस बिजनेसमैन को ना इसी में समस्या सबसे ज्यादा है। सामान कितने का खरीदेगा वो तो फिक्स रेट दे दिया जा रहा है, लेकिन भाई सामान पे हम खर्च कितना करें जिससे हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट में कुछ ज्यादा ना लग जाए। मैं सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लो मिल्कमैन का, दूध वाला क्या करेगा? मान लो उसे पता है कि कल के दिन रेट बढ़ने वाला है, ठीक है? आज 40 रुपए लीटर है, कल 42 रुपए लीटर होगा, तो वो स्टोर करेगा, तो एक साथ जब स्टोर करेगा तो उसका कैरिंग कॉस्ट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगा कैसे? कि उसे फ्रिज में रखना है, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सारा क्या होगा? उसका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना? तो और ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा उसका? नॉर्मली कम हो जाएगा। तो बताओ ये कब सेटिस्फाई रहेगा, कब तसल्ली रहेगा? जहां पे इसका ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट क्या हो, बराबर। जहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट बराबर होगा तो ये तसल्ली रखेगा कि भाई चलो ये सही ठीक ठाक है। अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट हाई आ गया, कैरिंग कॉस्ट कम हो गया, तो खर्चा तो ज्यादा ही हो गया अल्टीमेटली। तो हमें क्या देखना है, जहां ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट बराबर होता है उसी लेवल को हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है ना? तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है? जहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट बराबर होता है। तो इसी से हम एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। देखो अब मैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को शॉर्ट फॉर्म में बोलने जा रहा हूं, ई। भाई हमारी मर्जी है, कैरिंग कॉस्ट बोलेंगे हम, वेयरिंग हाउस क्यों बोले आपके जैसा, क्यों बोलूं मैं? नहीं, वेयर हाउस नहीं, कैरिंग कॉस्ट में जरूरी नहीं है, उसमें सिर्फ स्टोर करने का खर्चा नहीं आता, वेयर हाउस का खर्चा और भी खर्चे हो जाते हैं उसमें। जरूरी नहीं है सामान को वेयर हाउस में ही रखा जाए, सामान को जो दुकान में रखते हो, बिजली का बिल भी जा रहा है भाई, अगर ठंडा रखना है तो पंखे से उसके ऊपर रखना है, तो उस हिसाब से रहेगा, ठीक है ना? इसको कैरिंग कॉस्ट एक स्टैंडर्ड वर्ड रखेंगे, ठीक है? चलिए, मैंने बोला कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है, सिंपल सा डेफिनेशन है, एग्जाम में आएगा ये डेफिनेशन। तो मैं एक वर्ड में इस डेफिनेशन को कंक्लूड करूं, जहां पे कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, इक्वल आए, ठीक है? चलो कुछ और पॉइंट मैं पूछता हूं, बताना मुझे। मेरा ना मान लेते हैं कि 1200 यूनिट मेरा साल का कंजम्पशन है, 1200 यूनिट मेरा साल का कंजम्पशन है, ठीक है? एक बार में मैं 300 यूनिट खरीद के लाता हूं, 1200 यूनिट पूरे साल में मेरा यूज होगा, और एक बार में मैं 300 यूनिट लाता हूं, और एक बार लाने का मेरा खर्चा 100 रुपए है, तो क्या बता सकते हो पूरे साल भर में लाने का कितना खर्चा होगा? कैसे निकाला? मुझे अब उस चीज को एक्सप्लेन करना है। आपने 400 जवाब दिया और एकदम 100% ठीक है, निकाला कैसे ये बताओ मुझे, कैसे मुझे स्टेप बाय स्टेप बताओ, बिल्कुल जैसे होता है ना जीरो लेवल से स्टेप बताओ मुझे। पहले 1200 लिखा, यानी मैंने बोला ये पूरे साल का डिमांड है, यानी आपने एनुअल लिखा पहले, एक टाइम पे कितना लेके आएंगे? समस्या इसकी यही तो है कि एक बार में कितनी खरीदारी करूं, यानी आपने डिवाइड बाय लिखा एक बार में लाएंगे, जिसको मैं बोलूंगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये क्या होता है, एक बार में कितनी खरीदारी करें, और क्या करा भाई, डिवाइड कर दो, दिया इनटू
इनटू क्या कर दिया, 100। 100 क्या, क्योंकि डिवाइड किया 4 आया, और 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 400, और आपने फटाफट जवाब दे दिया क्या 400। तो मैं क्या ऑर्डरिंग कॉस्ट को फॉर्मूले में बोल सकता हूं, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ईओक्यू इनटू में, ये क्या है, ये ऑर्डरिंग बन गया। फॉर्मूला क्या है, ये सिंपल सा है, जो मैंने पूछा और आपको पता भी नहीं है, आपने जवाब दे दिया, उसी चीज को मैं एक फॉर्मूले में डिवाइड कर रहा हूं कि हमें अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालना है, अगर हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें पहले एनुअल डिमांड चाहिए जिसको मैं ए बोलूंगा, डिवाइडेड बाय ईओक्यू और मल्टीप्लाई बाय, अब सबके देखो एब्रिविएशन मैंने लिखा है और धीरे धीरे मैं बता रहा हूं, ए फोर एनुअल डिमांड, ओ फोर ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर, ठीक है। अब कैरिंग कॉस्ट जो होता है ना, ये मैंने इसका खर्चा बताया कैसे निकाला, अभी 400। कैरिंग कॉस्ट जो होता है वो थोड़ा समस्या वाला चैलेंजिंग है। मान लो मैं 10,000 लीटर दूध लेके आया और 10,000 के लिए मुझे 5 फ्रीजर चाहिए थे, 10,000 लीटर दूध लेके आया मैं, तो एनुअल डिमांड मेरा 10,000 है कि नहीं, और उसके लिए मुझे कितने फ्रीजर चाहिए, 5, और एक फ्रीजर का किराया मेरा मान लेते हैं कि 200 रुपये है, एक फ्रीजर का किराया कितना है मेरा 200 रुपये है। तो मेरा सिंपल सा आंसर, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि 1,000 लीटर मैं दूध लाऊंगा, मिल्क लाऊंगा, और मैं अपने पास स्टोर करूंगा, तो भाई अगर मैं ओपन रखूंगा तो वो क्या होगा, खराब हो जाएगा, तो मुझे फ्रीजर में रखना होगा। तो कितने फ्रीजर लेने पड़ेंगे मुझे, किराए पे लूंगा मैं 5 फ्रीजर, और एक फ्रीजर का कितना किराया है 200, तो बताओ मेरा कितना कैरिंग कॉस्ट होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट करूं क्या क्वेश्चन, मैं 10,000 लीटर दूध खरीदूंगा तो उसको मैं एक जगह तो रख नहीं सकता, तो उसके लिए मुझे 5 फ्रीजर इंतजाम करना पड़ेगा, और एक फ्रीजर मैं किराए पे लेता हूं तो मुझे 200 रुपये का पड़ता है, तो कैरिंग कॉस्ट कितना पड़ेगा, कैसे निकाला बताओ। आपने सीधा हिसाब लगाया जी, आप 5 फ्रीजर लाओगे, 200 रुपये एक का किराया होगा, तो 1,000 रुपये आपका टोटल किराया लगेगा, यही बोला आपने। चलो कैरिंग कॉस्ट आपने बोला सर 1,000 रुपये है, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं रहेगा ना। अब मैंने मान लो 400 लीटर मैंने बेच दिया दूध, मिल्क बेच दिए, 400 लीटर तो बिक गए, बचे कितने लीटर 600, अब भी खर्चा मेरा 1,000 ही रहेगा, या खर्चा कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, कितना आएगा खर्चा, 600 लीटर बच गए, 400 बेच दिए, तो 600 लीटर के लिए कितने फ्रिज का इंतजाम करूंगा मैं, 3 फ्रिज का, मैंने 10,000 लिख दिया, 1,000 ले लेते हैं, ठीक है 1,000 लीटर, वो तो 3 फ्रिज इंतजाम करूंगा, तीन तीन फ्रीजर पे 200 के हिसाब से कितना जाएगा 600 रुपये जाएगा, बिल्कुल ठीक। दोबारा क्वेश्चन रिपीट मैं कर देता हूं, 1,000 लीटर दूध था मेरा, और एक इसके लिए मुझे 5 फ्रीजर की जरूरत है, यानी एक फ्रीजर में मैं 200 लीटर रख सकता हूं, और एक फ्रीजर का मेरा किराया है 200 रुपये, तो स्टार्टिंग में 5 फ्रीजर मुझे इंतजाम करना पड़ा, जिसके लिए 200 रुपये का पेमेंट करना पड़ा और 1,000 रुपये का खर्चा आया, लेकिन जैसे ही मैंने 400 लीटर बेच दिया तो मैं बाकी जो 200 फ्रीजर को रख के किराया दूं, या बोलूं भाई मेरे को तीन ही चाहिए, तीन ही चाहिए, तीन के किराए, फिर 200 लीटर बिक गए, अब कितना खर्चा आएगा 400 खर्चा आएगा। यानी मैं सिंपल वर्ड में समझाना चाहता हूं, कैरिंग कॉस्ट हमारा जो होता है वो फ्लक्चुएट होता रहता है पूरे साल में। क्यों फ्लक्चुएट होता रहता है, रीजन पता चला, जैसे जैसे हमारे गोडाउन से माल निकलता जाएगा खर्चा कम होता जाएगा, तो हम फ्लक्चुएट में तो अंदाजा नहीं लगा सकते। जहां पे ऐसी समस्या आती है ना, अभी कुछ, थोड़ी देर बाद कुछ, उसके बाद कुछ, वहां पे हमारा काम आता है एवरेज। वहां पे क्या काम आता है हमारा, एवरेज का मतलब क्या होता है कि आपका जो फ्लक्चुएशन है प्राइसिंग में, एक ऐसा बीच का प्राइस निकाल दे जिसको हम अजम्पशन ले लेते हैं कि भाई यही रहेगा, यही होता है ना एवरेज का मतलब। तो अगर मैं कैरिंग कॉस्ट की बात करूं, तो कैरिंग कॉस्ट निकालोगे किस पे, जितने आप क्वांटिटी खरीदोगे, ठीक है। तो कैरिंग कॉस्ट का अगर मैं आपसे फॉर्मूला बताऊं, अगर मैं बताऊं कैरिंग कॉस्ट, तो कैरिंग कॉस्ट होना चाहिए हमारा, कैरिंग कॉस्ट होना चाहिए हमारा ईओक्यू, क्योंकि हम एक बार में कितनी क्वांटिटी लेके आएंगे, ईओक्यू रहेगा, इसको हम इनटू में कैरिंग कॉस्ट कर दें। अगर इनटू में क्या कर दूं, मैं कैरिंग कॉस्ट को मैं सी से बोल रहा हूं, तो इसका मतलब है कांस्टेंट है।
अगर मुझे स्टार्टिंग में चाहिए 1,000 लीटर, एक बार में लेके आए 1,000 लीटर, ठीक है, 1,000 लीटर पे मेरा 200 रुपये खर्चा है आपने बताया, तो 1,000 लीटर पे 1,000 का खर्चा आ रहा है, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, लेकिन बाद में कम भी तो होगा, तो इसलिए हमें इसे क्या करना पड़ेगा, एवरेज समझना होगा आपको इस पॉइंट को। इसलिए मैंने क्या करा, डिवाइड टू करने का मतलब क्या है, आपका अगर 1,000 यूनिट खर्च हो रहा है, 1,000 मत मानो, 500 के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दो, आपका रेट क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये एवरेज आ जाएगा। मैंने ईओक्यू का क्या मतलब बताया, हिंदी में डेफिनेशन बताओ, ईओक्यू किसे बोलेंगे, कब ईओक्यू होता है हमारा, जब हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट इक्वल हो, उसे क्या बोलेंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट का ये फॉर्मूला है, कैरिंग कॉस्ट का ये फॉर्मूला है, इसमें से हम ईओक्यू का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं ईओक्यू का फॉर्मूला क्या होगा, तो सिंपल सा तरीका है, थ्योरी जो बताया आपने उस थ्योरी के हिसाब से मैं यहां सॉल्व कर लेता हूं। ईओ क्यू इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई ईओ क्यू मल्टीप्लाई ओ इज इक्वल टू ईओ क्यू डिवाइडेड बाई टू इंटू में सी, तीनों इक्वल होंगे। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, जो जब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए तो ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है। तो मैं ईओ क्यू तो यहां से हटा देता हूं भाई, ठीक है। हम एक काम करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या इसको मैथमेटिक्स फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं हम इजीली, ठीक है, सॉल्व करते हैं। चलिए मल्टीप्लाई में है तो क्या आ जाएगा, एओ डिवाइडेड बाय ये क्या आ जाएगा, ई ओ क्यू, और इसको सी को मैं ब्रैकेट में रखना चाहता हूं क्योंकि ये अलग है, यहां पे तो एक साथ हो गया था, इसको ही ब्रैकेट में रखते हैं, डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई करो, क्रॉस करेंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, टू एओ इज इक्वल टू ईओ क्यू का स्क्वायर और इंटू में सी, ये रह गया। आगे और डिस्क्राइब करते हैं, देखते जाना आप। मैंने लिखा सर 2AO, ये इसी के वजह से जो थ्योरी था उसी थ्योरी को मैं कोशिश कर रहा हूं कि प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करूं, और यहां पे आया ईओ क्यू का स्क्वायर और इंटू में सी, हम ईओ क्यू निकालना चाहते हैं यहां से, है ना, ईओ क्यू को इधर लेके आ जाऊं, इसको किधर ले जाऊंगा मैं, इधर ले जाऊंगा, ठीक है। या एक काम करते हैं, ईओ क्यू को यहां छोड़ देते हैं, सी को ले आते हैं इधर, ठीक है। टू ए ओ डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू ये ई क्यू ओ हो गया, ई ओ क्यू का स्क्वायर, स्क्वायर मुझे पसंद नहीं है, मैं हटाना चाहता हूं, बन गया फॉर्मूला। ये क्या बताता है, ये वही तो बता रहा है जहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इक्वल हो, तो ऐसी जगह पे जो यूनिट निकल के आएगा उसको ईओ क्यू बोलेंगे। सिंपल सा है, जो थ्योरी था उसी थ्योरी को मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिकल में कन्वर्ट किया तो हमारा एक रिजल्ट मिलता है। तो ईओ क्यू का अगर मेरे से कोई फॉर्मूला पूछे तो मैं सीधा फॉर्मूला बुक में, आपको पता है क्या मिलेगा, ईओ क्यू इज इक्वल टू 2AO अपॉन में सी अंडर रूट, ये फॉर्मूला। या तो ये भाई फॉर्मूला याद कर लो, या तो समझ लो कि हमने इससे बनाया है कैसे, थ्योरी के बेस पे, जो हमारा थ्योरी गिवन है ईओ क्यू को लेके। इससे वो क्वांटिटी निकलेगा जब आप खरीदने जाओगे तो उस टाइम पे कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, ठीक है। 4 नंबर का, 5 नंबर का, 7.5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ए भी देगा वो, आपको ओ भी देगा, आपको सी भी देगा, और बोलेगा आप ईओ क्यू निकालें, सारा कुछ इंफॉर्मेशन आपको गिवन होगा। अब इसमें एक चीज सोचने वाली ये बात है कि यहां पे कैरिंग कॉस्ट जो है, ऑर्डरिंग कॉस्ट तो हमें बता देगा कि भाई 150 रुपए ऑर्डरिंग कॉस्ट लगा, 200 रुपए, लेकिन कैरिंग कॉस्ट जो है ये आपको इन द टर्म्स ऑफ मैक्सिमम केस में परसेंटेज का देगा। जैसे मेरा सामान 100 रुपए का था, 100 रुपए का सामान लाया मैं, वो 10% तो रखने का ही लग जाएगा यार, तो जो अमाउंट खरीदने का यूनिट होता है ना उसके ऊपर परसेंटेज देगा, इतने परसेंट कैरिंग कॉस्ट है। जैसे मैंने बोला 10 रुपए का सामान है और 20% रखने में ही लग चला जाता है, तो कैरिंग कॉस्ट क्या है बताओ, 2 रुपए, सिंपल सा जवाब है ना। अगर 10 रुपए का सामान है और 2 रुपए 20% रखने पे खर्चा आता है तो निकाल लोगे आराम से कितना आएगा, 2 रुपए। तो कैरिंग कॉस्ट हमेशा किसका परसेंटेज होगा, बोलेगा नहीं कि भाई 20% निकालो जाके अमाउंट का, आपको समझ जाना है कि 20% किसका बोला जा रहा है, ये जो अमाउंट का कॉस्ट है पर यूनिट उसका बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं, आपके बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 2, ठीक है, आपके बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 2। पहले यह समझ में आया,
ईओक्यू क्या है, फॉर्मूला कैसे बना हमारा, ठीक है ना। आपके बुक का इलस्ट्रेशन नंबर टू, इलस्ट्रेशन नंबर टू में क्या कहता है, आपको एनुअल डिमांड देता है। अब मैं यहां पे देखो, मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया है, एक बार इधर भी ध्यान देना, मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया है। मैं यहां पे पूछना चाहता हूं, ए मतलब एनुअल डिमांड, ओ मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट, सी मतलब कैरिंग कॉस्ट। अब जैसे अभी इमरान ने पूछा, सर इसको ये क्यों नहीं बोल सकते, आपकी मर्जी है, जो मर्जी बोलो। कई बार बुक में ए को पी बोल देंगे तो हम क्या करें, पी इज इक्वल टू उसने एनुअल डिमांड लिख दिया, अब ओ को कुछ और बोल रहे हैं वो, तो उसकी मर्जी है, जो मर्जी बोले, लेकिन फॉर्मूला यही रहेगा आपका। इसके जो फर्स्ट वर्ड है वो चेंज हो सकता है, अलग अलग बुक में अलग अलग पॉइंट लिखते हैं, लेकिन रहेगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और निकालने का मेथड और जो लॉजिक रहेगा यही रहेगा। ईओक्यू को एक और नाम से जाना जाता है, रीऑर्डर क्वांटिटी, इसको एक और नाम से जानते हैं, रीऑर्डर क्वांटिटी, जिसको मैं अभी बाद में भी आएगा वैसे, ये मैं इसको स्लैस करके लिख देता हूं, रीऑर्डर क्वांटिटी, आर ओ क्यू, ठीक है ना। एक और नाम, दो नाम हो गए, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी, दोनों में से जो भी बोले यही निकाल के आना है आपने, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर टू में देखेंगे आप, मटेरियल सेकंड चैप्टर के अंदर आपको यहां पे एनुअल डिमांड गिवन है, बताइए क्या दे रखा है, 3200 दे रखा है। आपको यहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट भी गिवन है, कितने दे रखे हैं, नहीं वो तो 6 रुपीज आपका पर यूनिट का कॉस्ट है, ठीक है। कैरिंग कॉस्ट कितना है, तो कैरिंग कॉस्ट दे रखा है 25%, यानी 1.5 रुपए। सर 1.5 रुपए कैसे आया, 6 रुपए का 25%, ठीक है ना। इसके बाद ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट अलग से दे रखा है, बताइए 150 रुपए। क्या डिमांड करता है क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है बताओ, 5 नंबर का क्वेश्चन है, देखो ईओक्यू निकाल के बताना है हमें, ठीक है। बोलता है ईओक्यू निकाल के बताओ, यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। हम इसमें ईओक्यू तो निकालेंगे, साथ के साथ प्रूफ भी करेंगे, क्या वो वाला लॉजिक लग रहा है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट बराबर है या नहीं है, वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो इसका अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो सिंपल सा रूल है, कहां गया 2AO, यानी 2 × 3200 × O 150 / C 1.5 का अंडर रूट निकालोगे तो आंसर आ जाएगा 800। जब इसको आप पूरा सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, 800। कैलकुलेटर पे पूरा कैसे सॉल्व करना है, पहले मल्टीप्लाई करना, फिर डिवाइड करना, और फिर उसमें अंडर रूट का ऑप्शन है, उसे जब आप करोगे तो एक बार में आपका रिजल्ट आ जाएगा। देखो के चेक करो फटाफट से, 800 आ रहा है, 1600 आ रहा है, चेक करिए 800 आ रहा है, समझ में आया कैसे आया। अब इसको हम प्रूफ करें कैसे, कॉस्टिंग को देख लेते हैं, चलिए प्रूफ करते हैं इसको, ठीक है, प्रूफ करते हैं इसको। सबसे पहले हम रखते हैं एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड का खर्चा कितना आएगा जी, 3200 पूरे साल का खर्चा और एक यूनिट का 6 रुपए, ये होगा प्लस, मैं टोटल कॉस्ट निकालना चाहता हूं यहां पे बेसिकली, ठीक है ना। प्रूफ कैसे होगा आप बताइए, टोटल कितना कॉस्ट लगेगा पूरे साल में, तो पूरे साल में जी कॉस्ट लगेगा हमारा 3200 रुपए लगेगा, और एक यूनिट पे 6 रुपए प्लस, और कोई खर्चा आएगा, बिल्कुल सामान को ऑर्डर करने का खर्चा आएगा, कितना खर्चा आएगा ऑर्डर करने का, एक बार में मैं 800 यूनिट खरीदता हूं, 3200 यूनिट खरीदना है, और एक बार आने जाने का खर्चा 150 है, तो निकाल सकते हैं हम। कैसे निकालेंगे, यहां फॉर्मूला भी आपके सामने लिखा है, कहां लिखा है देखो, ए यानी 3200 / EOQ 800, मन में भी सोचोगे तो यही रिजल्ट मिलेगा आपको, यही आएगा ना, अगर आप सोचते भी हो तो कैलकुलेट करते हो फटाफट से, और प्लस, और कौन सा खर्चा आने वाला है, कौन सा खर्चा आएगा बताओ, रखने का खर्चा आएगा, रखने का खर्चे का क्या है हमारा, ईओक्यू यानी 800 / 2 × 1.5। अब इसका खर्चा बताओ कितना है, इसका बताना मुझे 3200, पहले ये वाला पोर्शन बताना, फिर ये बताना, और फिर ये बताना, 3200 × 6 = 19200 प्लस, इसको करिए 600 रुपए, और इसको भी करिए कैरिंग कॉस्ट,
चेक करिए। तो मैंने क्या बोला था, थ्योरी क्या कहता है, ईओक्यू कहाँ पे आएगा, जहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट पूरे साल का क्या आ जाए, बराबर आ जाए हमारा, तो बोलेंगे कि हमसे कोई गलती नहीं हुई, हम सही क्वांटिटी में बिना एक्स्ट्रा पैसे दिए, बिना कम पैसे लिए हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यही तो है, यही दोनों तो प्रूफ करते हैं, ये क्या कौन सा कॉस्ट है हमारा, ऑर्डरिंग, और ये क्या है, कैरिंग। देखो दोनों कितना आ गया, 600 600, मटेरियल का तो अलग खर्चा है ही है, उसमें तो कोई नहीं है, हमारा बस मेन है कि हमारा रखने का खर्चा ज्यादा ना हो जाए या ऑर्डर करने का खर्चा ज्यादा ना हो जाए। तो ये हमारा एक है ईओक्यू, जिसके अंदर मैंने बताया ना आपका कंट्रोल, कि आप कंट्रोल कितने यूनिट को लाने में कैसे कंट्रोल करो या लेवल, वो हमने ईओक्यू निकाला। अब इसको नोट करिए, फिर हम आगे देखते हैं इसमें।